भारतीय नौसेना के जहाज INS ब्रह्मपुत्र में अचानक आग लग गई। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि यह वॉरशिप मुंबई के नेवी डॉकयार्ड पर मेंटेनेंस के लिए रखा गया था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। यह आग रविवार शाम को लगी, जिसे सोमवार सुबह तक बुझा लिया गया। हालांकि अब यह वॉरशिप एक तरफ झुक गया है। नौसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस हादसे के बाद एक जूनियर नाविक लापता है और बचाव दल उसकी तलाश में जुटा है। रविवार शाम को आग लगने की घटना के बाद सोमवार दोपहर में जहाज को एक तरफ झुका हुआ देखा गया। तमाम कोशिशों के बावजूद जहाज को सीधी स्थिति में नहीं लाया जा सका। हालांकि जहाज अपनी बर्थ के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिलहाल एक तरफ खड़ा है। अधिकारियों के अनुसार जब यह हादसा हुआ तब मल्टी रोल फ्रिगेट नेवल डॉकयार्ड में मरम्मत का काम चल रहा था। एक कनिष्ठ नाविक को छोड़कर सभी कर्मियों का पता लगा लिया गया है। लापता नाविक की तलाश जारी है। भारतीय नौसेना ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं।